हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CFA का पॉडकास्ट। आई एम श्योर आप लोग पॉडकास्ट बहुत मिस कर रहे होंगे। बहुत टाइम बाद आज फिर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। एंड ये सीरीज जो है, इट इज़ ऑल अबाउट पीपल हु आर चूजिंग फिटनेस एज अ करियर। उसी में आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे एक स्टूडेंट से हु हैज़ गॉट अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। और बहुत सारे बच्चों के सवाल भी होते हैं कि सर, अगर हम इंस्टाग्राम पे अच्छा कर रहे हैं तो हमें एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट ऑल दिस, इस पे बात की जाए कि क्या इंस्टाग्राम एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सो प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट विशाल भारद्वाज। गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड इवन आपके इस पूरे इंस्टाग्राम के परिवार को और मेरी भी जो इंस्टाग्राम पे जितनी भी फॉलोइंग है, सबको गुड मॉर्निंग और सबको थैंक यू कि मैं इस पॉडकास्ट पे आज आया हूँ। एंड इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए, अगर फिटनेस में इम्पोर्टेंस की बात की जाए, तो सबसे ज़रूरी है एक सर्टिफाइड कोच होना अगर आप फिटनेस में हो तो। सो विशाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारी इंस्टाग्राम पे एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें समझाया भी होगा इस चीज को लेकर कि विशाल इतनी फैन फॉलोइंग है, तुझे क्या जरूरत है कोर्स करने की। आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हमारा एक डिस्कशन भी हुआ था इसी जब आप आए थे। तो क्या लगा आपको कि मतलब जो आपकी फैन फॉलोइंग बनी और क्या आप उसे कर सकते थे, कुछ इस तरह की चीजें आई थी दिमाग में? और एक बार अपनी फैन फॉलोइंग है कितने रुपए इंस्टाग्राम है ये जरूर बता। हाँ, सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @vishalisfit। एंड मेरी अभी आई थिंक 49,000 कुछ फॉलोअर्स हैं। एंड ऑल्सो हाँ सर, ये बात दिमाग में जरूर आती है कि एज एन इन्फ्लुएंसर यस आई कैन अर्न। मेरे पास ब्रांड्स आते हैं, मेरे पास कोलेबोरेशन आते हैं, एंड इवन पर रील के हिसाब से जैसे भी पेमेंट्स एंड ऑल होती हैं तो वो होता है। बट जब बात आती है सर सर्टिफिकेशन की या ऐसा कुछ करने की, तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ बखान करना किसी चीज का जरूरी नहीं होता, उसके पीछे कागजात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के पीछे। अगर आप सर्टिफाइड हो, आपके पास कागज हैं उस चीज के, देन इट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड ऑनलाइन का ऐसा था कि यस, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दे रहा था, जब सर्टिफिकेशन नहीं थी मैंने तब भी एक दो ट्रेनिंग दी। बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था सर कि मुझसे मेरे ही एक क्लाइंट ने पूछ लिया था कि सर आप सर्टिफाइड हो या नहीं, एंड एट दैट टाइम आई वाज रियली ब्लैंक। बस आंसर नहीं था उस चीज का। और ये ना बहुत बार होता है कि अब तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी एक गाइडलाइन निकाली है कि अगर आप एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो तो बोलने से पहले आपको अपना कागज पत्र, अपनी डिग्री, अपना सर्टिफिकेट आपको दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, सबको लगता है कि मैं एकदम से वायरल हो गया। तो आप जैसे सेंसिबल लोग कम है जिनको होता है कि यार मैंने पढ़ाई करनी है, पहले मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी करूं, उससे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि यार एक बार इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया ना तो ये करियर हो जाएगा। मतलब मैं उनको हमेशा समझाता हूँ यार, करियर नहीं है ये अभी एक चीज़ है। इसको तुम करियर बना सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टाग्राम तुम्हें पैसे देता है, 50,000 के आसपास तुम्हारे फॉलोवर्स है, कुछ रील्स तुम्हारी मिलियंस में भी जाती हैं, मैंने देखी है। मुझे बताओ क्या तुम्हें इंस्टाग्राम पैसे देता है? इंस्टाग्राम अभी मुझे कुछ भी पे नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट। एंड सेकेंडली, इंस्टाग्राम सिर्फ मेरी यही अर्निंग है ब्रांड कोलेबोरेशन से और मेरी फिटनेस ट्रेनिंग। अब जो मैं दोबारा से मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन जो देनी शुरू करी है उस पे। ऑनलाइन कोचिंग या फिर ब्रांड्स की जो आप डील्स करते हो, वही दो चीज़ें हैं जिससे आपको पैसा मिलता है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या फिटनेस में बहुत सारे ब्रांड हैं विशाल जो आते हैं, या बहुत लिमिटेड है जो आते हैं, या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे तो हमारी डील हो सकती है, अदरवाइज सिर्फ फोटो दिखाने का पैसा नहीं मिलेगा? ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। ब्रांड्स बहुत सारे भी हैं, और मैं कहूँ मतलब इसको दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है सर, कि ब्रांड्स बहुत कम भी हैं, कुछ जनरल ब्रांड्स हैं जो बहुत कम हैं, लेकिन बहुत से ब्रांड जो बहुत शुरुआती स्टेज में हैं वो आ जाते हैं, तो बार्टर कोलेबोरेशन के लिए आते हैं। बट नाउ व्हेन आई हैव 50,000 फॉलोअर्स, तो मुझे ये रहता है कि नो आई विल टेक पेमेंट फॉर इट। सो ब्रांड मेरे लिए लिमिटेड हैं, जो मुझे पे करते हैं मैं उन्हीं के साथ जुड़ता हूँ। बार्टर कोलेबोरेशंस में अब एक्सेप्ट करने मैंने छोड़ दिए हैं। एंड सेकेंडली, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को इवन अपनी रील्स में शो करते हो, देन उसके बारे में बताने के लिए भी, उसके बारे में समझाने के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोटीन का पोर्शन, उसमें BCAAs हैं और बहुत सी चीजें होती हैं एक प्रोटीन के अंदर,
जो समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत ब्रूटल होते हैं। अगर आपने कुछ भी बोला तो वो नीचे आपकी बखिया उधेड़ देते हैं कमेंट्स में कि भैया ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं। तो अगर आप खुद अनश्योर हो ना कि इस प्रोडक्ट में क्या है, और मुझे लगता है बोलना अलग होता है कि मैं थिक स्किन हूँ, पर कमेंट में कोई कुछ गलत लिखता है तो यार आपको बुरा तो लगता है कि यार ये मेरे को कुछ उल्टा बोल रहा है। तो ये लगता है तुम्हें कि नहीं, कि अगर मेरे को पता नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं वो डर तो रहता था कि यार कोई उल्टी चीज ना लिखे, वो गलत चीज ना लिखे। आजकल बहुत चला हुआ है सर, ये लड़के बहुत सिग्मा बनते हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन कमेंट से या रिलेशनशिप्स में भी आजकल बहुत चलता है कि मैं सिग्मा लड़ता हूँ, कोई कुछ कर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर वही बात है, जब ब्रेकअप होता है तो दर्द होता है, कमेंट्स में जब कोई कुछ लिखता है तो दर्द होता है, वो आप उसको देख के इग्नोर कर सकते हो, बट आपके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज रह जाती है। तो ये तो है सर। नहीं बिल्कुल, और इसीलिए वो डिसीजन जो है वो पढ़ाई का बहुत जरूरी होता है। अब क्या चेंज हुआ विशाल, अगर अब हम कंपेयर करें एक बिफोर सर्टिफिकेशन एरा और एक आफ्टर सर्टिफिकेशन एरा, क्या चेंज क्या हुआ? बिफोर सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया सर, जब मेरे पास ये सवाल आया मेरे ही क्लाइंट का कि आप सर्टिफाइड हो या नहीं, देन मुझे बहुत ब्लैंक आउट फील हुआ कि अब मैं क्या बोलूं, बिकॉज मैंने उनको बहुत बताया था कि मुझे 6 साल ट्रेनिंग करते हो गए हैं, मेरा खुद का जिम में एक्सपीरियंस है, बट वही बात है कागजात कहाँ है। तो बिफोर एरा तो यही था, ये मतलब That was the time जब मुझे ये हुआ फील कि नहीं मुझे सर्टिफिकेशन करनी चाहिए ताकि मैं इस बात का जवाब दे सकूं। एंड आफ्टर सर्टिफिकेशन जो अब मैं CFA से कर रहा हूं सर, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया है बहुत ज्यादा। मैं पहले अपनी जब इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता था तो कहीं ना कहीं एक डाउट दिमाग में रहता था, बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी, बहुत सोचना पड़ता था बनाने से पहले गूगल पे, क्योंकि कुछ साइट कुछ कहती है, कुछ साइट कुछ कहती है, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, एंड वो मैं अपनी वीडियोज में भी बताता हूँ, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं सही ही बता रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, निकाल सकता। और अब मेरी ऑडियंस के साथ भी मैं जस्टिस कर रहा हूँ कि वो जो 50,000 लोग मुझे सुनते हैं और उनके जो फॉलोवर्स मुझे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि यार मैं बोल कुछ रहा हूँ और मैं कर कुछ रहा हूँ, और अगर मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है मैं फिर भी आके उसके बारे में बात कर रहा हूँ और मेरे को उसकी उसके बेनिफिट्स ही नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता वो क्या काम करेगा क्या नहीं। अब ना बहुत एक जैसे हमारा एक स्टूडेंट था अंकित बैनपुरिया, ठीक है, वो भी बहुत वायरल हुआ प्रधानमंत्री के साथ फोटो ये वो। तो बहुत सारे ऐसे गाँव के बच्चे हैं, गाँव देहात के बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12वीं करी है, उनके लिए क्या लगता है तुम्हें कि ये करियर कैसा हो सकता है, फिटनेस का एक करियर जो है वो किस तरह का हो सकता है उनके लिए? फिटनेस का करियर हर बच्चे के लिए, चाहे वो गाँव का है, शहर का है, या मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर क्लास से, कहीं से भी है, अगर वो एक अच्छा सर्टिफाइड कोच बन सकता है, अगर वो ये चीज करता है, तो ऑफ कोर्स द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। जैसे कि हम देखते हैं वैसे भी आजकल बहुत ही बढ़ता जा रहा है चलन फिटनेस का, एंड इसका सो ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप। एंड बिल्कुल, देखो आपका कंटेंट जो है पहली बात वो अब लिमिटेड नहीं है कि जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है वही करेगा, अपना कंटेंट बना के एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, उससे आपको बिजनेस बनाना है। याद रखना इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देगा, यूट्यूब भी आपको जब मिलियंस में व्यूज आते हैं ना तो पैसे देता है, कोई बहुत पैसे आपको नहीं मिलने वाले। पैसे या तो आपको कोई अच्छा ब्रांड देगा या आपको वहाँ से क्लाइंट मिल सकते हैं। लोगों ने अपना कोचिंग का बिजनेस शुरू किया, न्यूट्रिशन की कोचिंग करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग की कोचिंग करते हैं, जो 50,000 लोग आज विशाल को फॉलो कर रहे हैं उनमें से हो सकता है 100 लोग ऐसे हों जो विशाल से ट्रेनिंग ले रहे, तो वो एक इनकम जनरेशन हो सकती है विशाल के लिए। बट आज जो वो कंटेंट डालेगा उससे हो सकता है 50,000 अगले 2 महीने में 1 लाख हो जाए, 2 लाख लोग हो जाए। तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो इस तरह की चीज़, और स्पेशली वो बच्चे जो भी 12वीं करके निकले हैं या कॉलेज करके निकले हैं और अब उन्हें लग रहा है यार करें तो करें क्या। और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके लिए जिम्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग 15,000 रुपये आपको मिलती है, उसके बाद पीटी के कमीशंस, और आपकी एक इनकम जो है वो बन सकती है। बाय द टाइम किसी आपके दोस्त की डिग्री ख़त्म होगी 3-4 साल की, तो आपकी इनकम तब तक 50,000-60,000 रुपये तक हो सकती है। बट प्रोवाइडेड कि आप उतना ध्यान पढ़ाई में भी दो, अपने करियर में भी दो। सिर्फ बैठ कर ये मत सोचना कि मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? रातों रात कोई वायरल नहीं होता, वायरल नहीं होता, और होता भी है तो वो बहुत लिमिटेड टाइम की फेम होती है। उससे सोचना ये कि मैं तो इन्फ्लुएंसर ही बन जाता हूँ और मेरे पास तो बहुत ब्रांड आ जाएंगे, मैं बहुत कमा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, मेरे तो अभी 50,000 ही हैं, बट लोगों के 2 लाख 3 लाख भी हैं, बट
उनके बायो में जब हम देखते हैं तो लिखा होता है कि यह सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, और वो ट्रेनिंग से जो पैसा जनरेट करते हैं वो इंस्टाग्राम नहीं दे सकता, इंस्टाग्राम नहीं देता पैसे, ब्रांड्स की कोलैबोरेशन अलग एंड ये ट्रेनिंग्स अलग। एक चीज़ और भी देखो ना विशाल, 5 साल में पिछले जो पहले इन्फ्लुएंसर्स थे आज वो इतने रिलेवेंट ही नहीं रहे। कोई भी आप पुराने इन्फ्लुएंसर उठा के देख लो, फॉलोअर्स ज़रूर होंगे उनके, बट आज उनकी वीडियोज़ इतनी नहीं चलती हैं, आज उनके लोग इतने नहीं हैं, या तो उन्होंने आके बिजनेस शुरू कर दिए अपने। अब आप रणवीर अलाहाबादिया का एग्जांपल लो, रणवीर ने बेयर बाइसेप्स फिटनेस के लिए शुरू किया था, आखिरी में उसे समझ में आया कि यार मेरा फिटनेस का कॉन्टेंट बहुत लिमिटेड है, तो वो पॉडकास्ट की तरफ चला गया। यही किया ना उसने, उसके बाद उसने कंपनी शुरू कर दी। शायद आप लोगों को पता होगा कि वो बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैनेज करती है उसकी कंपनी, मॉन्क आई थिंक मॉन्क मैनेजमेंट करके कुछ उसकी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि यार फिटनेस का कंटेंट तो बहुत लिमिटेड है, कितना कर लोगे एक ही चीज़ को कितनी बार। यार मुझे याद है जब हमने वीडियोस बनानी शुरू की सबका एक ही सवाल होता था, अरे मास्टरबेशन पे एक वीडियो बनाओ, अरे इस पे सेक्स पे एक वीडियो बनाओ, अरे इस पे एक वीडियो, अरे कितनी वीडियो बनेंगी, आदमी कितना देखेगा उस चीज़ को, लिमिटेड ही देख पाएगा ना। ठीक है, अच्छा 4 या 5 ऐसे टॉपिक्स विशाल जिस पे तुम्हें लगता है जो नए बच्चे हैं उनको वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि तेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, 5 ऐसे चीज़ें जिस पे तुम्हें लगता है कि अगर कोई अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहता है, जिसको अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना है, मैं उनके लिए 5 ही चीज़ें बताऊंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना आना चाहिए, कि ऑडियंस को क्या चाहिए। एक्चुअली आज के टाइम में देखा जाए तो इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट की डिमांड सीरियसली बहुत कम है, बिकॉज आप जब रील चलाते हैं तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड 5 सेकंड में आपको कुछ ऐसा डालना पड़ता है उसमें कि बंदा रुके, उसके बाद आप बीच में इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। इसमें मैं पॉज लूंगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो 6 सेकंड का होता है। अगर आपने किसी के अटेंशन 6 सेकंड में ली, क्यों बाटा अपना रंग लाल रखता है, क्यों सेल हमेशा लाल में लिखा जाता है, कि लाल पहला कलर होता है जो तुम्हारी आंखें आइडेंटिफाई करती हैं, और 6 सेकंड का स्पैन है। अगर उस 6 सेकंड में तुमने उसकी अटेंशन ले ली तो तुम्हारी वीडियो वो देखेगा, अगर वो 6 सेकंड में नहीं ली तो खत्म, कंटिन्यू। सेकंड चीज जो मैं बताना चाहूंगा, एक तो मैंने बताया कि हाँ आपका ऑडियंस से कनेक्शन होना चाहिए, सेकंडली आपको बहुत लोग करने गिव अवेज रखने चाहिए, एंड अपनी थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप ट्रेनिंग में आ जाते हो फिटनेस में आने के बाद, तो अपनी ट्रेनिंग को प्रमोट कर सकते हो आप ऑन इंस्टाग्राम, वहां से भी अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो कर पाओगे, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाओगे और ऑडियंस के साथ जुड़ पाओगे। ऑडियंस से जुड़ना भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का पार्ट है, उससे भी आप ऑडियंस के साथ जुड़ जाते हो। देखो पैसे कमाने हैं तो ये करना पड़ेगा। आपको लगता है कि ऑडियंस या सिर्फ आपने वीडियो डाल दी वो इम्पॉर्टेंट है, किसी को वीडियो से फर्क नहीं पड़ता, उसको उस ज्ञान से फर्क पड़ता है। अब अगर तुम उस ज्ञान को एजुकेशनल फॉर्म में देते हो, एंटरटेनमेंट फॉर्म में देते हो, अब जैसे आजकल एक बहुत स्टोरी चल रही है मसालों को लेकर, आपने भी सुनी होगी, MDH और एवरेस्ट के मसाले जो हैं सिंगापुर और हांगकांग ने बैन कर दिए, उन्होंने बोला भाई हम नहीं लेंगे। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स धीरे धीरे वीडियोज़ उठा रहे हैं। अब यार ये जो न्यूज़ है वो तो इम्पॉर्टेंट है ना, मसाले तो तुम्हारे घर में भी यूज़ हो रहे हैं, मसाले मेरे घर में भी यूज़ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर माँ बाप, हर भाई बहन, हर कोई लेडी, हर कोई आदमी जो किचन में जा रहा है उसको सुनना है कि इसमें दिक्कत क्या है। अब एक तो तरीका है कि आके मैं न्यूज़ पढ़ के चला जाऊँगी कि एवरेस्ट मसालों में ये पाया गया और ख़त्म स्टोरी। एक है कि मैं उसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाऊँ, उनसे बात करूँ, उनको बोलूँ कि भाई ये आपके लिए दिक्कत है और इसका ये सोल्यूशन है। सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बता रहा मैं उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि भाई अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसकी जगह पर आपके लिए ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। क्या लगता है? बिल्कुल सर, सही बात है। अगर कोई भी न्यूज़ है, जैसे अभी इवन पतंजलि की भी न्यूज़ नहीं उठ रही है, तो सर ये जो वो कोरोनिल का जो केस था वो सब जो आया, तो ऑफ कोर्स अगर कोई खोल के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताए कि ये देखिए और इसकी वजह से इसका कोई असर नहीं है कोरोना पे एंड इस पे, उस टाइम पे भी अगर कोई बता देता तो ऑफ कोर्स ये जो 4 महीने में कुछ बता रहे कि 250 करोड़ की सेल कर दी पतंजलि ने, बिकॉज लोग अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है। अभी जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाया सेरेलैक पे, बॉर्नविटा पे, सेरेलैक क्या कर रहा है, 3 ग्राम शुगर डाल रहा है पर सर्विंग, और क्यों इंडिया में डाल रहा है, यूरोप में नहीं डाल रहा, अमेरिका में नहीं डाल रहा, इंग्लैंड में नहीं डाल रहा, सेम बॉर्नविटा के साथ है, यहाँ पे शुगर ज़्यादा डाल रहे हैं, बाहर शुगर नहीं डाल रहे हैं। अरे भाई क्यों? अब ये बात तुम्हें हर पेरेंट तक पहुँचानी है, हर किसी के, चाहे तुम्हारे 1000 फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे 500 फॉलोवर्स हैं, 200-300 लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे होंगे, पर उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँचे, वो अपने आप इस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करके ना अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और तुम्हारा अकाउंट अपने आप ग्रो करेगा। पर याद रखना, 1 मिलियन फॉलोवर्स भी हो जाएंगे ना तो इंस्टाग्राम पैसे नहीं देगा,
आपको पैसे अपनी कम्युनिटी से ही कमाने पड़ेंगे, अपनी नॉलेज से, अपने कंटेंट से कमाने पड़ेंगे। एनी लास्ट एडवाइस विशाल? बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम से लोग जोड़ सकते हो और लोग जोड़ सकते हो तो पैसा भी जोड़ सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम आपको पे करेगा, इस वहम में मत रहना। एज एन इन्फ्लुएंसर करियर तब लेना जब आप यूट्यूब से अर्निंग करने लग जाओ, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ब्रांड डील्स आनी शुरू हो जाएं। एंड ऑफकोर्स जैसे अंकित भैया भैया का आपने एग्जाम्पल दिया, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हाँ, आप इन्फ्लुएंसिंग को और यूट्यूब को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। पर विशाल, वो पिछले 3-4 साल से वो कर रहा था व्लॉगिंग, ऐसा नहीं था कि उसकी एक वीडियो चल गई, उसने 5 साल लगातार वीडियो बनाई है। तुम उसके अकाउंट पे जाके देखो, अगर पुरानी वीडियोस हैं तो वो एक्टिंग भी करता था, वो वाइंस भी बनाता था, वो जब यहाँ आता था तो अपना व्लॉगिंग रिकॉर्ड भी करता था। मुझे याद है 2022 मई का स्टूडेंट है, तब उसकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, वो फिर उसने जब 75 हार्ट डे किया तो वो वायरल हुआ, उससे पहले कौन जानता था उसे। अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी हो तो जोमेटो में नौकरी करी उसने, फिर उसने सप्लीमेंट के स्टोर पे नौकरी करी, हमारे यहाँ से आके कोर्स किया, तो ये सारी चीज़ें उसको करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि उसको पता था ये नहीं चल रहा है। अब आज चल भी अगर गया है तो इवेंचुअली ब्रांड डील तो आ रही है, बट इट हैज़ टू बी अ करियर इन द लॉन्ग रन। कंटेंट तो उसे भी डालना पड़ेगा, अच्छा है, सर्टिफाइड लड़का है, डालेगा और कंटेंट और लोगों को जोड़ेगा अपने साथ, बिल्कुल जोड़ेगा। एंड आज अंकित भैया पूरे पे कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं है, बिकॉज ही इज सर्टिफाइड। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे इन हिज वीडियोस एंड ऑल, तो वो सर्टिफाइड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही लास्ट एडवाइस रहेगी मेरी कि आप सभी अगर कुछ भी चीज कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो हमेशा सर्टिफाइड हो जाइए उस चीज को लेकर, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन जरूर करें, ताकि आपके पास एक पुख्ता सबूत कह सकते हैं या कागजात कह सकते हैं कि आपके पास होम, तो वो बहुत ही बेटर होगा सर। बिल्कुल, तो ये मत सोच के चलना कि इंस्टाग्राम से कभी भी तुम्हारा करियर बनेगा, ये तुम्हें एक पुश दे सकता है, बट करियर तो बॉस तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, याद रखना। और ये भी सोच के चलना किसी दिन अगर टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा, तब भी एक स्टोरी होनी चाहिए कि बॉस मैं नौकरी कर सकता हूँ, मेरे को इतना आता है कि मैं कोचिंग कर सकता हूँ, मेरे को इतना आता है कि मैं जाकर कहीं भी किसी सप्लीमेंट कंपनी की एडवोकेसी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूँगा सिर्फ वीडियो बनाने से। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं विशाल के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, विशाल इसका आंसर भी देगा। अगर सोशल मीडिया से कुछ रिलेटेड है या इसकी ट्रेनिंग से कुछ रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू।